यूपी टीवी न्यूज पर फरुखाबाद जिले से एक बार फिर से बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। पहली खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद से है। फरुखाबाद जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शाहपुर गंगपुर गौशाला ब्लॉक कायमगंज में एक नए गोवन शेड निर्माण हेतु भूमि पूजन किया है। उप जिलाधिकारी कायमगंज के प्रयासों व जन सहयोग से गौशाला शाहपुर गंगपुर में 100 गोवंश क्षमता का नया टीन सेट बनेगा। जिलाधिकारी गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने गौशाला में बेहतर व्यवस्थाएं देख नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी कायमगंज की प्रशंसा भी की है। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, कायमगंज ग्राम प्रधान समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। आपको बताते चले, फरुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह लगातार गौ वंशों की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कायमगंज में उन्होंने 100 गोवंश क्षमता के एक नए निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है, जिसके बाद कायमगंज के आला अधिकारी भी मौके पर जिलाधिकारी के साथ मौजूद रहे। वहीं अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र से है, जहां जहानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का एक बार फिर से मानवीय चेहरा सामने आया है। जहानगंज थाना अध्यक्ष बलराज भाटी व आर्ची मुनेंद्र कुमार द्वारा मानवीय आधार पर बुजुर्ग महिला को खाद्य सामग्री भेंट कर चप्पल पहनाई उन्होंने। इस दौरान लोग लगातार पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फरुखाबाद पुलिस का इन दिनों जिले के हर क्षेत्र में मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आ रहा है, जिसमें कमालगंज पुलिस द्वारा भी असहाय बुजुर्ग व्यक्ति को खाद्य सामग्री भेंट कर सराहना की गई है। इस दौरान अन्य थानों में भी पुलिसकर्मी गरीब व असहाय लोगों की मदद करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद से है। फरुखाबाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी फरुखाबाद पहुंच रही हैं। सरकारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे वह निरीक्षण भवन पहुंचेंगी और 11 बजे रस्तोगी इंटर कॉलेज फरुखाबाद में जनप्रतिनिधियों, संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। दोपहर 3 बजे निरीक्षण भवन कन्नौज में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं एवं शुभ चिंतकों के साथ में भी भेंट करेंगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी आज फरुखाबाद के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों के साथ रस्तोगी इंटर कॉलेज में भेंट करेंगी और इस दौरान मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। वहीं अब चौथी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद से है। फरुखाबाद में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एक दिवसीय दौरे पर रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान है कि वर्तमान बजट में यूपी को एक बार फिर से बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ का फायदा वर्तमान में उत्तर प्रदेश को इस बजट में मिलने जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 28 नर्सिंग कॉलेज का जल्द ही निर्माण होगा। हर क्षेत्र में बजट से उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा भी मिला है। इस दौरान वित्त मंत्री ने अखिलेश यादव के रिलीजन साइंटिस्ट के बयान पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अडानी के मामले पर LIC और स्टेट बैंक के चीफ ने साफ किया कि कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूपी में अडानी समूह के मीटर टेंडर कैंसिलेशन की एक सामान्य प्रक्रिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अडानी के मामले पर LIC और स्टेट बैंक के चीफ ने साफ कर दिया है कि कोई भी उन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है और वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी में अडानी समूह के मीटर टेंडर कैंसिलेशन की एक सामान्य प्रक्रिया की जा रही है। वहीं अब पांचवी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद से है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट मीट 2023 सफल बनाने के उद्देश्य से फरुखाबाद में बाबू सिंह दद्दू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कानपुर रोड फतेहगढ़ फरुखाबाद में मुख्य अतिथि श्री वेदपति मिश्रा IAS विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उमाशंकर सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार की गणमाननीय उपस्थिति में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आहूत किया गया। सभी विशिष्ट अतिथियों को का आयुर्वेदिक कॉलेज
के चेयरमैन डॉक्टर अनार सिंह द्वारा अपने उद्बोधन से स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इन्वेस्ट यूपी की वीडियो प्रस्तुति एवं नवीन जारी यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 के संबंध में वीडियो प्रस्तुत कर प्रोग्राम में प्रख्यान किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा जनपद एवं प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई समस्त नीतियों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक एवं परास्नातक के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और उनको इस बारे में बताया भी गया है। मुख्य अतिथि द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 के संबंध में विस्तार से जानकारियां लोगों को दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज।